राधा जी, नए साल की महाराज जी हार्दिक शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत कामनाएं और आपके दर्शकों को भी सबको नववर्ष की बधाई। देशवासियों को क्या संदेश नए साल पर देना चाहते हैं सर? देशवासियों को संदेश है कि बुराइयों से बचें, अच्छाइयों की ओर चलें, अपने व्यस्त टाइम में से निकाल के प्रभु के नाम के लिए भी कुछ समय निकालें। समाज में फैलती बुराइयाँ जैसे नशा है और मातृशक्ति की इज्जत करना, घरों में प्यार प्रेम शांति रखना, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करना और सब बुराइयों को त्याग के हमेशा मालिक की भक्ति की ओर ध्यान लगाना और अपने काम से काम, अपनी मेहनत पे विश्वास यकीन रखें और मेहनत के साथ काम करें, यही संदेश। आज महाराज जी पहलवान विजेंद्र सिंह ने नशा मुक्ति को लेकर के अभियान जो चलाया है उसमें आज शक्ति प्रदर्शन किया, क्या कहना चाहेंगे? विजेंद्र सिंह पहलवान एक बहुत ही समाज के लिए उदाहरण के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनको आयरन मैन के नाम से जाना जाता है और ऐसे ऐसे कारनामे बहुत कर चुके हैं पहले भी, वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज में उनका नाम है। और यहाँ भी आज एक भारी गाड़ी को खींच के दिखाया सिर्फ कानों से बांध के, और दूसरा 40 किलो का बच्चे को दांतों से उठा के दौड़ लगा के दिखाई। और इसी प्रकार से वो एक मुहिम चलाते हैं जिसमें हमारा भी वही एक उद्देश्य है कि समाज को नशा मुक्त किया जाए, बुराइयों से बचाया जाए। तो उन्होंने इस दिशा में जो काम करना प्रारंभ किया है, मैं कहता हूँ एक बहुत ही सराहनीय कार्य है और समाज के लिए एक ऐसी चेतना है जो हमारे समाज में फैली जितनी भी कुरीतियाँ, बुराइयाँ, आडंबर, पाखंड है, सबको दूर करके देश के नागरिकों को स्वस्थ तंदुरुस्त बना के अपने देश को ऊँचाइयों की ओर ले जाने वाली है। और इस चीज़ के लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सब दर्शकों की ओर से, और जितने भी यहाँ देखने वाले सत्संगी और दूसरे लोग थे सर, उन्होंने बहुत उनकी प्रशंसा की है और वाक्य में प्रशंसा के योग्य हैं। तो इस काम के लिए मैं उनको भी और आपको भी, क्योंकि मीडिया जितना काम कर सकता है, हम अगर कितना भी अच्छा करता रहें करते रहें, मीडिया अगर उसका प्रचार नहीं करेगा तो नहीं फैल पाएगा, उन लोगों तक जागरूकता नहीं होगी। आपका भी अगर उसमें योगदान मिलता रहे तो इसी प्रकार से इस समाज की बुराई को मिटाने में एक अहम भूमिका होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।